सन 1857 को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है। यह लड़ाई मुख्य रूप से 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, जो कि धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। वैसे तो इस लड़ाई में नेतृत्व की कमी थी और इसी के कारण आपसी फूट पड़ी, और आपसी फूट को ही हथियार बना करके अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीता। ये वैस में था जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और भारत को तेजी से अपने में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति शुरू करी, और जिसे कोई राजा मानना नहीं चाहता था। हड़प की नीति का ये अर्थ था कि जिस राजा की कोई अपनी संतान नहीं थी उस राज्य को अंग्रेजों को सौंप देना। इसके अलावा अंग्रेजों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर के भी कई नीतियों में बदलाव करे, जिसके अनुसार जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है उन्हें पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिलेगी। और भी कई तरीकों से अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म में बदलाव करने की कोशिश की। इस तरह का बदलाव सैनिकों में भी करा गया। लॉर्ड कैनिंग ने कई नीतियों में बदलाव किया, जिस कारण उसमें देश में हर तरह के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा था। तभी सैनिकों को ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए जिनमें गाय और सुअर के मांस की चर्बी थी, जो कि सैनिकों के धार्मिक हितों को आहत करते थे। इस बात से गुस्सा होकर के मंगल पांडे ने 10 मई सन 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस तरह जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। पहले ही कई आंदोलन हुए, लेकिन वह सबसे ऊपर था जिससे लोग प्रभावित होने लगे। लेकिन सन 1857 की क्रांति ने एक बड़ा रूप ले लिया, जो कि पूरे देश में फैला, लेकिन कई कारणों से 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। और इस तरह से 14 महीनों के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि आंदोलन खत्म हो चुका है। लेकिन इस आंदोलन का यह फायदा हुआ कि हड़प की नीति बंद हो गई और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।